चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पीडीएम हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी है। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के लिए आईन और चंद रोज़ इंतज़ार करना है। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत आईन पर अमल दरामद नहीं करना चाहती, अवाम को लेकर हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेंगे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेख शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शेख शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।